राम राम मेरे मिस्त्री भाइयों को। मैं राजमिस्त्री मुकेश, मैं आपको आज फट्टी के लिपाई के बारे में बताऊंगा कि लिपाई में फट्टी कैसे इस्तेमाल किया जाती है, और उसके बाद मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगा कि स्वर में लिपाई कैसे होती है। तो वो आप देख लेना और बने रहना मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फट्टी में और स्वर में किस तरह लिपाई होती है, वो आप देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये रूम में तैयार किया है, तो मैं रूम को आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल फट्टी में तैयार है भाई साहब। तो आप देख लीजिए, ये बिल्कुल फट्टी में तैयार है, और मैं आपको अब इस फट्टी के सोल लगा के दिखाता हूँ कि सोल में और फट्टी में कैसे लिपाई की जाती है। देखिए भाई साहब, ये मैंने लेयर सोल लगा दिया है, तो आप इस सोल को देख लीजिए भाई साहब, ये बिल्कुल बाल भर का है। तो देख लीजिए, अगर आपको टैल लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल दीवार बिल्कुल सोल के अंदर है। फट्टी भी आप देख लीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक देख लीजिए। ये देखिए भाई साहब, मैंने बिल्कुल कंडा फट्टी के लगा रखा है, तो ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए भाई साहब, बिल्कुल सोल के अंदर है। तो इस तरह आप लिपाई करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सोल में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आजकल भाई साहब दीवारों को भी सोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टैल लगती है, तो बिल्कुल बढ़िया तरह आपकी टैल लग जाए तो टैल लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए, आपकी टैल बिल्कुल फ्रेश दिखेगी, तो बहुत बढ़िया क्लैरिटी आएगी। अगर जैसे जब आएगी, जब आपकी लिपाई बिल्कुल सही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाइयों। धन्यवाद।